हेलो मैं उनको बार आज हम बात करेंगे क्या सेल्टोस का मूड कैसे बना, मतलब पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, यही क्यों ली और ऐसे करके। तो आपने एकदम से जो देखा था ना 26 तारीख को टेकिंग डिलीवरी वाली वीडियो, तो भाई वो एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत दिनों से मेरे माइंड में था कि मेरे को एक कार लेनी है और डीजल कार लेनी है। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न है भाई जो इसके अंडर द हुड लगा हुआ है ना डीजल इंजन वो। अब हमने अभी एक साल पहले ही 25 फरवरी को बोली थी बलेनो जेटा पेट्रोल। तो सीन उसका भाई ये था कि मेरे को उस गाड़ी में आज तक भी स्वाद नहीं आया था। मतलब ड्राइविंग की अगर मैं बात कर दूँ, वैसे कई एस्पेक्ट्स में वो गाड़ी बढ़िया है, तो मेरे को चलाने में उसमें कोई खास मज़ा नहीं आया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस बंदे ने अगर आपने डीजल गाड़ी ड्राइव करी हुई है, यानी आपने सीखी है डीजल गाड़ी से और आपने कई साल वो चला लिया, तो आपको पेट्रोल गाड़ी में भाई कभी स्वाद नहीं आएगा। अगर अपना थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताऊँ ना, तो हमारे पास पहले रिट्ज़ गाड़ी थी, रिट्ज़ VDI 2011 डीजल 1.3 लीटर का उसमें डीजल इंजन आया करता था। और उस गाड़ी को जो भी बंदे ऑन करते हैं जिन्होंने वो रिट्ज गाड़ी अगर डीजल में चलाई है, तो उनको पता होगा कि भाई स्विफ्ट हो कोई गाड़ी आप ले लो, सब उसके आगे फेल है। पिकअप में, एक्सलेशन में, माइलेज में, स्पेशली 23-24 की वो माइलेज दे रही थी। तो एक तो ये फैक्टर था कि मैंने डीजल से चलानी सीखी। 2016 से पापा ने मेरे को गाड़ी देनी शुरू कर दी थी, हालांकि तब मेरे पे लाइसेंस वगैरह नहीं था, लेकिन छोटे मोटे रोड पे मैं चला लिया करता था। तो तब से भाई जो मैंने 2019 में बदल लिया ना, तो 3 साल जो गाड़ी चलाई थी ना भाई, वो बहुत तगड़ी गाड़ी थी। मतलब पिकअप वगैरह के मामले में कितनी बंदे बिठा लो, कितने सामान टूस लो, वो कभी जोर नहीं मानती थी। वही बलेनो जब हमने पेट्रोल में ली, अब आप लोग पूछेंगे कि वो फिर बलेनो भी डीजल में लेनी चाहिए थी। तो भाई देखो, मेन उसका ये था कि हमने वो डीजल में बुक कराई थी, वो मिली नहीं। शायद मैंने बता दिया आपको कई बार स्टोरी, वो मिली नहीं थी, तो हमने जल्दबाजी के चक्कर में मैंने पेट्रोल ले ली। तब ये सोचा नहीं कि उसमें टॉर्क वगैरह कम होता है और मज़ा नहीं आता चलाने में। अब उसके बाद बात करते हैं भाई, वो ले ली, अब 8 लाख की वो गाड़ी ली, ठीक है, 1.5 लाख का उस पर लोन वगैरह लगा, तो भाई वो 9.5 लाख की पड़ी अपने को। और उस हिसाब से 9.5 लाख के हिसाब से ड्राइविंग अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा ड्राइवर हूँ, मतलब जो खींच के लेता है गाड़ी को, इतनी स्पीड पर चलाता हूँ जितनी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और ऐसे रोड पर भगाता हूँ जिससे मेरे को पता है कि भाई हाँ मैं यहाँ पर अगर कोई बंदा सामने आ जाता है तो मैं कंट्रोल कर लूँगा अगर कुछ अनहोनी होती है। तो भाई एक तो सीन था भाई कि मतलब ड्राइविंग में उस गाड़ी में स्वाद नहीं था बिल्कुल भी। एक या दो बंदे हों तो ठीक है, चौथे पांचवें गियर में वो निल ले, मज़ा नहीं आता है। अगर आपने डीजल शिफ्ट करी, अगर आप शुरू से पेट्रोल गाड़ी पर सीख रहे हैं, शुरू से पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो आपको मज़ा आएगा, उसमें ठीक लगेगी। लेकिन डीजल से आप अपग्रेड करेंगे तो भाई मज़ा नहीं है। बेशक से अगर आप भी कोई बलेनो वगैरह प्लान कर रहे हैं, कोई और गाड़ी भी शिफ्ट हो, अल्ट्रोज हो, तो डीजल से अगर आप पेट्रोल में जाएंगे मज़ा नहीं आएगा। रनिंग वाली बात ठीक है कि यार 1000 किलोमीटर से अगर रनिंग आपकी ज़्यादा है 1500 से, तो आपको डीजल लेना चाहिए। पर मेरा मानना यार अलग है कि आपको स्वाद भी आना चाहिए चलाने में। तो मेरी थी कि खास रनिंग है नहीं, ये अभी 26 तारीख को ली थी ना, आज कितनी तारीख होगी, 11 सितंबर आज, तो ये कुल अभी 649 के लगभग चली है। और माइलेज क्या दे रही है आप अभी देखो इस वीडियो को। तो फिलहाल मैं हूँ अभी गुड़गांव में भाई, और आपको आईडी देता हूँ थोड़ा इसके माइलेज वगैरह के बारे में। तो माइलेज के लिए तो मैंने देखो बिल्कुल भी नहीं ली थी कार, तो वह चीज़ मेरे को मिल भी रही है। इसमें हमने 3600 रुपये का डलवाया था जब नई नई ली थी, उसके बाद इसमें कोई फ्यूल नहीं डला, 3600 से अलग उसमें 5-6 लीटर किया वालों ने भी दिया था। 10 किलोमीटर गाड़ी की रेंज बची है कुल, और तेल का अभी कोई अता पता ही नहीं है पेट्रोल पंप का। तो देखते हैं यार चल पाती है, कितना चल जाती है। तो माइलेज तो आप देख लो यार, 4000 रुपये तेल में 652 किलोमीटर चली है। बलेनो से भी गई कुछ रिमाइल है, 450 तो बलेनो चल जाती है 2500-2500 रुपये तेल में। चलो भरवाते हैं यार कहीं पेट्रोल पंप ढूंढ के, वैसे कहीं पे खड़ी ना हो जाए यार। 4 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, और बिल्कुल जो सुई है बिल्कुल लो पे है, लो भाई बिल्कुल डैश आ गया है एक। हाँ भाई डर सा लगने लग गया, डीजल इंजन की ये दिक्कत होती है, अगर ले जाएगी ना हवा अगर, तो निकलवानी पड़ेगी। पेट्रोल में तो हमने डाल कर चला सकते हो, लेकिन डीजल की बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो डलवा रहे भाई फाइनल, ना तो ये बोल ही जाती अब तो 200 का डलवाना उधर, तो एक फ्यूल स्टेशन पास में उस पे ना उस वो मिलता है DS6, तो वो डलवाऊंगा, इसमें ये भी लफड़ा होता है भाई। यार मैं तो इस धोखे में आ गया, DS6 फ्यूल है, लेकिन यहाँ पे पता लग रहा है कि ये भी नॉर्मल है, इधर तो फुल ही खराब है। 3630 का आता है भाई, 200 का इसमें बाहर डलवा लिया था, तो देख लो भाई इतने का आता है इसमें टोटल फ्यूल। तो दिखाता है 823 किलोमीटर है, लेकिन पता नहीं रेंज कैसे कम हो जाती है। जब हमने पहले डलवाया भी ये दिखा रहा था इतनी 850 के लगभग, लेकिन पता नहीं यार आपके सामने 658 किलोमीटर ही चली है। तो चलाने पे मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, लेकिन अब ये फ्यूल हो चुके। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बलेनो जितनी माइलेज देती है ना सेम इतनी दे रही है, और उससे कम ही दे रही है। तो ये हिसाब किताब है क्या सेट उसका, लेकिन चलाने का मज़ा भाई अलग ही लेवल का है। तो भाई पहली बात तो होगी माइलेज भी उस गाड़ी की, मतलब
कम ही है। जैसे अगर मैं 2500-2800 रुपए का उसकी टंकी फुल कराता हूँ तो उस हिसाब से 12-13 की माइलेज वो निकल पाती है अपनी ड्राइविंग स्टाइल अगर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ड्राइविंग के लिए चाहिए थी कोई कार, दूसरी थी माइलेज भी ठीक ठाक देते। माइलेज भी इसका वही है, आपने अभी देख ही लिया यार क्या इसका रिजल्ट था और कितनी की फुल हुई थी। तो ये हिसाब किताब तो हो गया भाई, ये मेन फैक्टर मेरे यही थे बस, केवल एक मेरे को ड्राइविंग और माइलेज जो अच्छी मिले। क्योंकि रनिंग का देखो पता है एक सीन मैं आपको समझा देता हूँ, बंदे सही कहते हैं कि आपको देखो 1000 किलोमीटर से कम रनिंग है तो पेट्रोल पे जाना चाहिए, उससे ऊपर है तो आपको डीजल पे जाना चाहिए। मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में यार, आपका जैसे अगर कोई स्टेबल जॉब नहीं है, अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपको कब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाए उसकी कोई आपकी गारंटी नहीं है। क्या पता आप आज आपने पेट्रोल गाड़ी ले ली, कल को आपका कुछ ऐसा काम बन गया कि आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना है, फिर आप पेट्रोल गाड़ी लेके भाई सोचते हैं कि यार ये तो गलत होगी। वो चीज़ मेरे साथ हुई जब मैंने बलेनो ली तो मेरे को ट्रैवल करना ही नहीं था, बस कॉलेज जाना था 10 किलोमीटर वापस जाना था, उस पर्पज से ली थी। और जो अपना काम कभी कभार कहीं शादी ब्याह चले जाते हैं उस पर्पज से। लेकिन भाई एक महीने बाद जब स्टार्ट हो गया थोड़ा ट्रैवल करना पड़ गया तो भाई डेली की कभी 120 कभी 150 ऐसे ट्रैवल हो रहा है गुड़गांव कभी फरीदाबाद, तो ऐसे चक्कर लगने लग गया। तो एक ये मेन रीज़न हो गया कि यार मेरे को चाहिए थी फिर एक डीजल कार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो तेल पीती थी, तो जैसे मैं 12-13 की उसकी लास्ट माइलेज निकल के आती थी अपने हाथों में और उससे भी कम थी वो मेरे को आइडिया दी। तो एक तो ये बात हो गई भाई, तो उस हिसाब से उसके बाद डीजल गाड़ी मैंने कंसिडर करनी शुरू करी कौन कौन सी मैं ले सकता हूँ। एक बार मेरे दिमाग में वेन्यू भी आई थी वेन्यू, लेकिन वेन्यू का ना पीछे से रियर बैक मेरे को इतना मतलब अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ी बेकार मेरे को वो लगती है पीछे से। तो मेरा फिक्स था कि SUV लेनी है तो वरना कोई लेनी ही नहीं है। उसके बाद दो चॉइस रह जाती है Hyundai Creta और Kia Seltos, तो दोनों गाड़ियां फिक्स थी भाई कि लूंगा तो इनमें से ही लूंगा, छोटी गाड़ी नहीं देखनी है डीजल में। और आजकल तो बंद भी है मारुति वगैरह गाड़ी बंद, तो ये नई गाड़ी का सिलसिला शुरू हुआ था जनवरी 2020 में कि लेंगे, और आके कब ली 8वें महीने में, तो 8 महीने इसमें टोटल लगे हैं। तो आप देख सकते हैं 8 महीने वेट करने के बाद ये गाड़ी आई थी, आपने तो 26 तारीख का एकदम सरप्राइज मिला, लेकिन मेरे को 8 महीने लगे। तो जनवरी में सोचा कि यार गाड़ी लेंगे, तो 12 मार्च 2020 को मैंने पहली बार Kia Seltos बुक कराई थी कि लूंगा Kia Seltos। उसके बाद भाई 18 मार्च को पहले मैं लोन पे ले रहा था क्योंकि उस टाइम उतना कैश मेरे पे अवेलेबल नहीं था, तो लोन अप्रूव मतलब अप्रूवल में कुछ दिक्कत हुई क्योंकि बलेनो का ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने कैंसिल करा दी। उसके बाद हुई क्रेटा लॉन्च, क्रेटा की थोड़ी कम प्राइसिंग थी, 18 मार्च को ही मैंने फिर क्रेटा बुक कराने चला गया, मैं इसको फुल कैश लूंगा, 11-20 तक उसकी पड़ रही थी। उसके बाद आपका लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भाई बस ये लगा लो मूड ऐसा बदला, डेली कन्फ्यूज रहता था Kia Seltos क्रेटा Kia Seltos क्रेटा। उसके बाद देखो भाई हुआ क्या कि लॉकडाउन खत्म हो गया, फिक्स था मेरा कि भाई Hyundai Creta ही लेनी है, मेरे को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही थी और मेरे को थोड़ी सस्ती पड़ रही थी, मैं कीमत आपको दिखा दूंगा अभी। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कंपैरिजन किया था बेस मॉडल्स का, तो उसमें मैंने बोला था कि क्रेटा वैल्यू फॉर मनी है। अभी लोग मेरे से वो वीडियो का लिंक भेज के पूछते हैं कि भाई आपने ये इसमें तो बोला है कि मैं क्रेटा लूंगा अगर मेरे पे इतने रुपए रहे तो आपने Seltos क्यों ली, तो उसका अभी भाई देखो कुछ रीज़न है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले जहाँ पे मैंने 18 मार्च को बुक कराई थी ना Hyundai Creta वहाँ से कैंसिल करा दी, क्योंकि लॉकडाउन जैसे लग गया था तो उसके बाद मतलब 2 महीने की जो बुकिंग लगी हुई थी ना वो एक तरीके से वेस्ट थी। मैंने कॉल करके पूछा था, उन्होंने बोला कि अभी ऑर्डर ही नहीं लगे, तो मैं बोला कि अपने पास में जो डीलर है उसके पास बुक करा देता हूँ, और मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था उस डीलर के कंपैरिजन में, और वो मेरे को सेल्फ इंश्योरेंस भी ऑफर करा था, तो मैंने वहाँ से कैंसिल करा के, हालांकि मेरे 3000 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कटा, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर बुक कराई। ये रही उसकी स्लिप, आपको 11 मई 2020 की दिखेगी, और ये पापा का नाम रहा, मैं 24500 अपना ऑन कार्ड Creta ई पोलर वाइट ये था भाई। और मैं आपको एक मिनट और दिखा भी देता हूँ, ये मेरे को इतने की पड़ रही थी 1,00,000 आपका 89,300 रुपये की सस्ती पड़ रही थी, उल्टी 25,000 पे थोड़ा 500 रुपये का ऐसे डिस्काउंट वगैरह ऐसा था। तो वेटिंग पीरियड 4-6 वीक्स उन्होंने लिखा था, तो एक बार मैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 11 मई 2020 को मैंने बुक करी, तो क्या हुआ ऐसा कि मेरे को ये सब कैंसिल करके 3 महीने के बाद 16 अगस्त को Kia Seltos बुक करानी पड़ी, उसके बाद मेरे को 26 तारीख को Kia Seltos की डिलीवरी लेनी पड़ी। तो Creta क्यों नहीं ली, मेन उसकी वीडियो मैं आपको अलग बना के दूंगा, कुछ रीजंस मेरे पास हैं जिस वजह से मैंने Creta नहीं ली। तो इस तरीके से मैं Kia Seltos के ऊपर गया था। तो भाई ये थी अपनी पूरी स्टोरी Kia Seltos की। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आज हमको ये मिली है डिलीवरी किट जिससे Kia वाले बोलते हैं, उस टाइम तो दी नहीं थी, तो आज मैंने कॉल करी कि यार की चेन तो दे दो, मैं इसमें ये निकॉन का लटका के घूम रहा हूँ। और इस चाबी में ना ये लटकाना जरूरी है यार, क्योंकि कीलेस वाली तो आप जेब में रखते हो तो आपको छोटी की चाहिए होती है, ये थोड़ी लगानी पड़ी तो खो खाने का डर रहता है, तो इस वजह से मैंने ये लगाई थी। तो मैं उससे पूछता था यार की चेन दे दो कोई, तो ये किया की वो आती है डिलीवरी, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रहता है इसके अंदर। तो ये एक तो की चेन दी है भाई, एक ये पेन दिया है,
और ये कुछ है, और इसके ऊपर एक कपड़ा रहता है, एक बार कपड़ा दिखा दे भाई। वो कपड़ा पता नहीं उसमें क्या यूज है, ये कपड़ा दिया था भाई चिपक जाता है, इस पे फोन वगैरह रख लो मतलब गिरता नहीं है। द पावर टू सरप्राइज, देखते हैं कि क्या सोनेट का क्या प्राइस निकल के आता है। तो ये स्टोरी थी भाई क्या सेल्टोस की। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, ऐसा नहीं कि मेरे पे एकदम पैसा आ गया और मैंने एकदम से गाड़ी खरीद ली, ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता है कि कितने टाइम से मैं सोच रहा था। 10 साल इसकी लाइफ है, और 10 साल की लाइफ की मैं ये मानता हूँ कि 10 साल डीजल कार रखता कौन है, रनिंग की भी अगर हम बात हटा देते हैं तो 10 साल रखता कौन है। 4-5 साल में गाड़ी बूढ़ी से लगने जाती है, उसके बाद बंदा सोचता है गाड़ी मन ही भर जाता है, या 4-5 साल में सोचता है कि मैं गाड़ी को निकाल के कोई नई गाड़ी ले लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसमें मिली थी। तो भाई ये मेरी प्लानिंग, जो मेरा प्लान था क्या सेल्टोस खरीदने का, ऐसे ऐसे बना था। फैमिली की बात बताऊंगा भाई, मेरी फैमिली बहुत मस्त है, किसी ने नहीं टोका मैं कोई सी भी कार कभी भी बुक करा के आ जाता था। वो लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क्या सीन है, मतलब कौन सी कार लेगा। वो लोग बोलते थे भाई जो लेना ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जाके कोई बुक करा के आ जाता। अभी के लिए इतना इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।